भागी हुई लड़कियों का पिता, वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा टूटा हुआ व्यक्ति होता है। पहले तो वो महीनों तक घर से निकलता नहीं है और फिर जब निकलता है तो हमेशा सर झुका कर चलता है। अपने आसपास मुस्कुराते हर चेहरे को देखकर उसे लगता है जैसे लोग उसी को देखकर हंस रहे हैं। वो जीवन भर किसी से तेज स्वर में बात नहीं करता। वो डरता है कि कहीं कोई उसकी भागी हुई बेटी का नाम ना ले ले। वो जीवन भर डरा रहता है। वो रोज मरता है, तब तक मरता है जब तक कि मर नहीं जाता। पुराने दिनों में एक शब्द होता था, मोछ भद्रा। जिस पिता की बेटी घर से भाग जाती थी उसे उसी दिन हजाम के यहां जाकर अपनी मूछे मुड़वा लेनी पड़ती थी। ये ग्रामीण सभ्यता का अलिखित संविधान था। तब मनई दो बाहरी मूछ मुड़ाता था, एक पिता की मृत्यु पर, दूसरा बेटी के भागने पर। बेटी का भागना तब पिता की मृत्यु से अधिक पीड़ादायक समझा जाता था। तब और अब में बस इतना ही अंतर है कि अब पिता मूछ नहीं मुड़ाता, पर मूछ भद्रा तब भी माना जाता है बिना मूछ मुड़ाए। अब बात 21वीं सदी की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन काफी प्रसिद्ध हुआ। इस पर पूरे देश में अभियान चलाया गया। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने भी समाज को जागरूक करने में अपना समर्थन दिया। जरूरी भी था, क्योंकि जिस तरह से समाज में बेटियों की संख्या कम होती जा रही थी उस लहजे से बेटियों का पैदा होना जरूरी था। चलो किसी के घर बेटी पैदा हो भी गई तो उसे पढ़ने तो कभी भी दिया नहीं जाता था। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की महत्ता बढ़ने लगी थी। कहा गया कि बेटियों को पढ़ाओगे लिखाओगे तो आपका बेटा आपका सहारा बने या ना बने, लेकिन आपकी बेटी आपके बुढ़ापे में जरूर आपका साथ देगी। लेकिन क्या इस दिन के लिए बेटियों को जन्म दिया जा रहा है कि वो अपने माता पिता के खिलाफ जाकर उनका दिल दुखाएं? साक्षी और अजितेश की कहानी पूरा देश देख रहा है, पूरा देश सुन रहा है, पूरा देश साक्षी को सहानुभूति दे रहा है। लेकिन कोई उस पिता की दबी आवाज में छिपे दर्द को महसूस करने की कोशिश तो दूर, उस पर अपना ध्यान भी नहीं दे रहा। आप सभी वाकिफ होंगे कि ये पूरा मसला क्या है। ये भी सामने आया कि अजितेश का साक्षी के घर पर आना जाना था, वो वहां आकर खाना भी खाया करता था। अजितेश के पिता साक्षी के पिता विधायक राजेश मिश्रा के करीबी थे, पारिवारिक माहौल था। और फिर एक दिन उनकी बेटी ने अजितेश से भागकर शादी कर ली और अब उसका कहना है कि उसे अपने ही पिता से जान का खतरा है। पापा और विक्की, पापा बोले तो माननीय विधायक पप्पू भड़तौल जी और विक्की भड़तौल जी, प्लीज अब मान जाओ और शांति से जियो और रहने दो, क्योंकि मैंने सच में शादी कर ली है। ये सिंदूर मैंने फैशन में नहीं लगा रखा है, ये शादी कर ली है इसलिए लगा रखा है। और पापा, आपने जो अपने कुत्ते भेज रखे हैं ना मेरे पीछे जस्ट लाइक राजीव राणा, उसको बताओ अगर मेरे सर के ऊपर से पानी चला गया तो उसका पूरा खानदान जेल में होगा। मैं परेशान हो चुकी हूँ, मतलब इतना घूम घूम के हम परेशान हो चुके हैं और हमारी जान को खतरा है। और एक बात कहना चाहूँगी विक्की और पापा की, अभी और उसके रिलेटिव्स को परेशान करना बंद कर दो, क्योंकि उन लोगों की कोई गलती नहीं है, जो कुछ किया है मैंने और अभी ने किया है। और अब शांति से जियो और राजनीति करो। मैं खुश रहना चाहती हूँ और आज़ाद रहना चाहती हूँ। और मैं इस वीडियो के थ्रू एक बात कहना चाहूँगी, इन फ्यूचर अगर मुझे और अभी के फैमिली के किसी भी मेंबर को कभी कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे पापा विक्की भड़तौल और राजीव राणा होंगे। राजीव राणा तो स्पेशली जो पूरी टीम लेकर आया हुआ है और मेरे पीछे घूम रहा है। मैं मर तो जाऊंगी लेकिन उसका पूरा खानदान मिटा के जाऊंगी। राजीव जी ये चीज़ ध्यान रखना। और बरेली के मंत्री सांसद MLA से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैं कि जो लोग मेरे पापा की हेल्प कर रहे हैं वो मेरे पापा की हेल्प करना बंद कर दें, क्योंकि सच में हमारी जान को खतरा है। और प्लीज़ पापा अपनी सोच बदलो, अभी और अभी की फैमिली इंसानी है, कोई जानवर नहीं है वो लोग। तो प्लीज़ अपनी सोच बदलो, अच्छे लोग हैं, मैं खुश रहूँगी उनके साथ। प्लीज़ और खुश रहो और खुश रहने दो, चुपचाप अपनी राजनीति करो। धन्यवाद। जबकि पिता की हालत यह है कि आंसू तो वो बहा नहीं सकता, अपना दर्द छिपाते छिपाते उसका गला दुखने लगा है। अब वो किसी से बात करने की हालत में भी नहीं है। वो पिता पूरी तरह से टूट चुका है, जिसकी बेटी घर से भाग कर चली गई। बिना माँ बाप की मर्जी के उसने किसी से शादी कर ली, उसके ऊपर से वीडियो बनाकर अपने ही पिता की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया। वो पिता अब टूट चुका है, जिसकी पत्नी आत्महत्या करने के कगार पर खड़ी है, जो दवाइयों के सहारे जी रही है,
जो परेशान हो चुकी है कि वो अगर टीवी देखकर अपने मन से ये बात भूलना भी चाहे कि उसकी बेटी बागी निकली, तो चैनल वाले उन्हें बार बार बेटी का वीडियो दिखाकर वापस ये एहसास दिला रहे हैं कि गलत वो पिता है, वो माँ है जिसने इस बेटी को जन्म दिया, ना कि वो बेटी जो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। वो पिता जो बेटी को सर आंखों पर रखा करता था, आज उसी बेटी ने ना सिर्फ अपने पिता की बल्कि पूरे परिवार की जग हंसाई करा दी है। दुख होता है ये कहते हुए कि मीडिया भी कहीं ना कहीं इसे मुद्दा बना रहा है। पारिवारिक मामला अब एक ऐसा विषय बन गया है जिसे देश का प्रत्येक इंसान चस्के ले लेकर देख रहा है। आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि जेब खाली थी फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने अपने पिता जैसा कोई शख्स नहीं देखा। तो क्या साक्षी के पिता की भी यही गलती थी कि उन्होंने बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं समझा और बदले में उनकी बेटी ने घर से भाग कर ना सिर्फ शादी की बल्कि अपने ही पिता से जान का खतरा होने के आरोप भी लगाए, जबकि पिता का कहना है कि उन्होंने ना तो बेटी को ढूंढने का प्रयास किया है ना ही कोई फोन। अभी आप आए तो मैं क्या काम कर रहा था वो बताइए आप अपने टीवी चैनल, मैं तो जनता का काम निपटा रहा हूँ, मुझसे किसी को क्यों खतरा होगा। मैंने ना किसी को धमकी दी ना मैंने कोई तलाश किया, वो बालिग लोग हैं उनको निर्णय लेने का अधिकार है, तो मुझसे किसी को खतरा नहीं, ना मैंने किसी को फोन किया, ना मेरे परिवार के ना किसी आदमी ने फोन किया जी। मैं तो जनता का काम करता हूँ, सुबह से दिन तक काम निपटा रहा हूँ, मेरी तरफ से किसी कोई खतरा नहीं है। आज आपकी बेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी लगाई है जिसमें उसने यही लिखा कि अपने पिता से जान का खतरा है और आपके लोग जो हैं उन दोनों को ढूंढ रहे हैं। मेरा कोई आदमी नहीं ढूंढ रहा, ना मुझे कोई इसके बारे में जानकारी है कि वो कहाँ है बेटी, मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, कहाँ क्या लगाया क्या नहीं। तो ये बात गलत है कि कोई ढूंढ रहा है, कोई नहीं ढूंढ रहा है, मैं तो कहीं गया नहीं। सबको पता है मेरी रोज की फेसबुक और व्हाट्सएप पे पढ़ता है कि मैं यहीं हूँ, मेरे लोग यहाँ हैं, मेरे भाई यहाँ हैं, भतीजे यहाँ हैं, बेटा यहाँ है, कोई कहीं नहीं जा रहा, कोई जाएगा भी नहीं कहीं, और हम लोग अपने काम में मस्त हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। कब आपकी बेटी घर से गई थी और आपको कब पता चला कि उसने शादी कर ली है? नहीं, 3 तारीख को गई थी, तो हम तो ये जानना है जिस दिन गई उसी दिन शादी कर ली उसने। क्या आप स्वीकार करते हैं शादी को? नहीं, जो शादी करने वाले हैं स्वीकार वो करें, हमसे करने से क्या लेना देना, करना ना करना हमारा काम थोड़े, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम जिनने शादी की है वो स्वीकार करते रहे बस। क्या नाराजगी है आपको बेटी से अपनी? मेरी कोई नाराजगी नहीं, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं, और मैं कोई नाराजगी क्यों करूँगा, सबको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, हक है बालिग लोगों। अगर वो आपके पास वापस आती है तो क्या आप रखेंगे उसको? नो कमेंट, इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इस पर उनकी बेटी ने चैनल के माध्यम से ये सवाल किया कि इतनी बड़ी बात हो गई पिताजी और आप कुछ नहीं कहेंगे, जिससे साफ तौर पर ये मतलब निकल कर सामने आता है कि बेटी चाहती है कि उनके पिता की तरफ से कोई ना कोई लूज एक्शन हो। इस वक्त पूरे देश में ज्यादातर लोग साक्षी को सहानुभूति दे रहे हैं, लेकिन कोई पिता के दर्द उसकी तकलीफ को समझने के लिए तैयार नहीं है, उसकी पीड़ा को देखकर सही और गलत में फर्क करने के लिए भी तैयार नहीं है। माना बेटी बालिग है और अपने फैसले खुद ले सकती है, अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, जहां चाहे वहां जा सकती है, लेकिन शायद भारतीय संस्कृति और संस्कार परिवार की इज्जत को नीलाम करने का हक नहीं देते। फिलहाल इजाजत दीजिए, इस विषय में आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।